हेलो दोस्तों, वेलकम्स टू द दीपिकास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ समोसे की बहुत ही बढ़िया रेसिपी। दोस्तों, अक्सर हम समोसा बनाते समय कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, जिससे कि समोसे बिगड़ जाते हैं और उसके बाद हम मार्केट से ही समोसा खरीद के लाना पसंद करते हैं। तो वीडियो में आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी दोस्तों, जिसे आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो बिल्कुल यही टेक्सचर आपके समोसे में भी आएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा लगे, लेकिन ये वीडियो बहुत काम का है। इसमें कुछ ट्रिक्स बनाई है मैंने, जिसे आप पूरी तरह से फॉलो करिएगा और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, तभी आपका ये जो समोसे की रेसिपी है परफेक्ट बनेगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 250 ग्राम मैदा लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है पहले, और इसे अब हम एक बड़े मिक्सिंग बाउल में डालेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन, और इसी के साथ ही डालेंगे हम यहाँ नमक स्वादानुसार, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। पेशेंस चाहिए दोस्तों थोड़ा सा, लेकिन परफेक्ट रेसिपी के लिए इतना पेशेंस तो बनता ही है दोस्तों। और उसके बाद हम छोटी सी एक कटोरी की देसी घी डालेंगे इसमें, और देखिए दोस्तों ये एक ट्रिक है, यहाँ इस तरह से बाइंड होगा हमारा आटा। इतना ही सख्त हमें ये आटा चाहिए, बिल्कुल इसी तरह का। देखिए मुट्ठी बांधने के बाद इस तरह से इसकी टेक्सचर होगी, बिल्कुल इतना ही, इसी तरह का परफेक्ट आटा। और इसके बाद अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे, और देखिए अब बार बार मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरह से हमें ऐसे मुट्ठी बांध करके देखना है और मोयन इतना डालना है कि इस तरह से मुट्ठी बन जाए आराम से, बिल्कुल खस्ता समोसे बनाने के लिए। और इसके बाद मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ हल्का गर्म पानी। ठंडे पानी का दोस्तों हमें यहाँ यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें यहाँ हल्के गर्म पानी का यूज़ करना है। थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करेंगे हम और धीरे धीरे आटा लगाएंगे। तो देखिए इस तरह का आटा, थोड़ा टाइट आटा लगाना है हमें, और इसके लिए मेरा आधा ग्लास पानी यहाँ यूज़ हो चुका है और आधा ग्लास बच चुका है। और इसके बाद हम इसे ढक करके लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है दोस्तों। अब मैंने यहाँ गैस की फ्लेम ऑन कर ली है और एक पैन चढ़ा लिया है, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल लिया है मैंने यहाँ, और इसमें मैंने डाला है 1/4 चम्मच सरसों और 1/4 चम्मच जीरा। इसे हम थोड़ा भून लेंगे, गर्म होने देंगे, और इसके बाद इसमें ऐड करने जा रही हूँ मैं यहाँ हरी मिर्च। यहाँ मैंने 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च लिए हैं, आप चाहे तो, अगर आपको मिर्च कम पसंद है तो कम भी यूज़ कर सकते हैं। और यह मैंने यूज़ किया है हरा मटर, इसे भी इसके साथ में अच्छी तरह से हम भून लेंगे। लगभग 2 मिनट इसे हम सारे मसालों के साथ में तेल के साथ में फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है हमें, ताकि ये जो मटर का कच्चापन है ये वो चला जाए। आलू का जो मसाला होता है दोस्तों, वो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ज़्यादा चटपटा चाहिए तो आप ज़्यादा स्पाइसी बना सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 5 उबले हुए आलू। तो दोस्तों देखिए ये भी एक ट्रिक है, यहाँ इस तरह से आलू को हमें मैश करके डालना है, हल्का सा हाथों से इस तरह से तोड़ के डालना है, बिल्कुल पूरी तरह से हमें इसे मसल करके नहीं डालना है, क्योंकि समोसे का जो आलू होता है वो इसी तरह का होता है। तो अब यहाँ डाल रही हूँ मैं यहाँ 1/4 चम्मच हींग, इससे इसका बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आता है आलू का मसाले का, और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को दोस्तों हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैंने यहाँ डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, और गार्निश किया है हरा धनिया से। और इसके बाद गरम मसाला पाउडर भी यहाँ ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 चम्मच, और सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमें लगभग 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। देखिए आलू का मसाला ठंडा हो चुका है, और इसे हमें ठंडा करके ही यूज़ करना है। तो अब यहाँ जो हमने आटा लगा के रखा था, इसे देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। ये जो देखिए दोस्तों वाइट वाइट आपको दाने दाने दिख रहे हैं ना, यही कंसिस्टेंसी और यही टेक्सचर होना है हमारे आटे का। इसी से ही पता चलता है कि आटा बिल्कुल समोसे के लिए परफेक्ट लगा है।
ये जो इस तरह से दिख रहा है ना दोस्तों, ये ऐसे ही आटा समोसे का परफेक्ट लगता है। अब इसमें से हम लोई तोड़ लेंगे, इतनी बड़ी रोटी की तरह एक लोई तोड़ लेना है हमें। और अब हमें इसे बेलना है। किसी भी सरफेस को आप साफ कर लीजिए किचन के, और उसके बाद जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है इसका थिकनेस। इस तरह से बहुत आसानी से इसे हम बेल सकते हैं। इस तरह से देखिए आप बिल्कुल परफेक्ट रोटी बना करके रेडी कर लेंगे हम। चारों तरफ से अच्छी तरह से हमें इसे बेल लेना है, और इसके बाद अब करनी है हमें इसकी कटिंग। तो बीच से बिल्कुल बीचों बीच अब हमें इसे हाफ कर लेना है इस तरह से चाकू से, और इसके बाद में आपको इसे शेप को बनाना बताती हूँ। इस तरह से उंगली को बीच में रखना है, तीन उंगलियों को, और उसके बाद पानी से हमें इसे इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से बस इसी तरह से चिपका लेना है। बिल्कुल इसी तरह का शेप बनता है दोस्तों, जो हलवाइयों के पास से हम समोसा लाकर खाते हैं ना, उसका शेप बिल्कुल इसी तरह से बनता है। और हल्के हाथों से इसे हमें प्रेस कर लेना है ताकि जो स्टफिंग हम भर रहे हैं वो तेल में ना निकल जाए। हल्के हाथों से हमें इस तरह से, पानी का जो यूज़ है दोस्तों वो ग्लू की तरह होता है, ये चिपकाने का काम करता है। मैदे को ये देखिए अच्छी तरह से, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, इतने अच्छे तरीके से ये चिपक चुका है। और इसके बाद बिल्कुल इस तरह से हम इसे उल्टा कर लेंगे, कोन की तरह हो चुका है ये। और इसमें अब हम भरेंगे आलू की फिलिंग। अच्छी तरह से थोड़ा प्रेस करते हुए आलू की फिलिंग हम इसे भर लेनी है। बहुत ज़्यादा ना भरे दोस्तों, थोड़ा सा जगह छोड़ना है हमें। अब यहाँ देखिए किस तरह से अभी यहाँ पर हमें शेप देना है। तो इस तरह से भरने के बाद ये हल्का सा इस तरह से हमें यहाँ से मोड़ लेना है, और दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसे यूँ टाइट तरीके से हमें चिपका लेना है ताकि मसाला तेल में अलग ना हो जाए। और थोड़ा सा इस तरह से इसे मोड़ लेना है हमें, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए शेप, एकदम परफेक्ट समोसे का शेप। मैं आपको एक और समोसा बनाकर बताती हूँ। इस तरह से हमें रख लेना है इसे अलग से, फिर से हम एक और समोसा देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। तो बाकी का जो आधा पीस था उसमें भी हम बनाकर देख लेते हैं। इस तरह से तीन उंगलियाँ रखेंगे बीचों में, और इस तरह से एक तरफ से पलट के तो हमें पानी लगा लेना है, और दूसरी तरफ को इसके ऊपर में यूं बस इसी तरह से, और इसे प्रेस करना है, हल्के हाथों से प्रेस करना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा तेज हमें इसमें नहीं करना है, हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है। और इस तरह से इसे पलट लेना है, और अब भरनी है आलू की फिलिंग। अंदर तक अच्छी तरह से प्रेस करते हुए आलू हम इसमें भर लेंगे। बस इस तरह से, और उसके बाद इस तरह से मोड़ लेंगे हम। इस तरह से हल्का सा मोड़ के अब दोनों किनारे को थोड़ा सा पानी लगाते हुए हमें इस तरह से चिपका देना है। बस इस तरह से अब पानी का यूज़ करिए दोस्तों, पानी लगाकर ही इसे हमें चिपकाना है। अच्छी तरह से ये पूरी तरह से चिपक जाएगा, और थोड़ा सा इस तरह से इसे मोड़ लेना है। बिल्कुल परफेक्ट समोसे की शेप बनकर रेडी है, देख सकते हैं आप चारों तरफ से इसे, और बहुत अच्छी तरह से चिपका है जो तेल में जाकर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये भी बन करके रेडी है, ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से बन चुके हैं। अब इस तरह से मैंने यहाँ सारे समोसे बना करके रेडी कर लिए हैं, देख सकते हैं आप इसका लुक कितना बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट। जिस तरह से मार्केट से मंगा के लाते हैं हम समोसे, बिल्कुल उसी तरह का लग रहा है ना दोस्तों ये। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ
गैस की फ्लेम में तेल चढ़ा लिया है और कढ़ाई 3/4 तक तेल से भर लिया है। देखिए छोटा सा मैदा जिससे समोसे हम बनाए थे उसी की लोई हम थोड़ी सी तोड़ के इसमें डालेंगे और देख सकते हैं आप चारों तरफ से छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं, तो मतलब तेल हमारा इतना ही हमें गर्म करना है, इससे ज़्यादा इसका टेम्परेचर हमें नहीं करना है। तेल गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में बिल्कुल भी हमें समोसे को तलना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही समोसे को तलना है। ये देखिए बबल्स जो निकल रहे हैं ना, ये इसी का इंडिकेशन होता है कि ये तेल तलने के लिए समोसे तैयार है। और अब धीरे धीरे हमें सावधानी से समोसे को तेल में डाल लेना है। समोसा पूरी तरह से तेल में डूबा रहे उतना तेल हमें कढ़ाई में डालना है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आधा समोसा तेल में है और आधा बाहर, बिल्कुल भी नहीं, पूरा भरा हुआ होना चाहिए कढ़ाई अच्छी तरह से तेल से। और उसके बाद हम ये देखिए छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही समोसे को तलना है और ऊपर से हमें इस तरह से तेल डालना है इसके ऊपर छिड़क कर। और देखिए कितने छोटे 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 जो बबल्स निकल रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से ही चाहिए हमें तेल का टेम्परेचर। फ्राई हो रहा है ये, थोड़ा सा समय लगता है इसे लो फ्लेम पे। देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर इसमें धीरे धीरे आ रहा है, लगभग 10 मिनट के करीब लगता है दोस्तों इसे फ्राई होने में, क्योंकि ये बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इसे तलना है। यहाँ मैं बार बार एक ही चीज़ बता रही हूँ दोस्तों, गैस की फ्लेम बिल्कुल भी हाई मत करिएगा, लो फ्लेम पर पूरी प्रोसेस हमें करनी है, तभी रिजल्ट परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से सारे समोसे अब हम निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए समोसे भी हम इसमें डाल लेंगे। अगर बाकी के बचे हुए समोसे के लिए हमें तेल का टेम्परेचर थोड़ा गर्म लग रहा है तो फ्रेंड्स आप एक काम कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए तेल बंद करके रखिए गैस की फ्लेम को, और तेल ठंडा हो जाए उसके बाद ही फिर से गैस को ऑन करके बाकी के समोसे तलिए। तेल गर्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो समोसे के ऊपर फबोले पड़ने लगेंगे और वो क्रिस्पी टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसीलिए हमें गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि लो ही रखनी है। इस तरह से सारे समोसे निकाल लेंगे, देखिए कितना परफेक्ट बन करके रेडी है समोसे। अगर रेसिपी अच्छी लगी होगी दोस्तों आपको तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो लीजिए दोस्तों बन करके रेडी है खस्ता समोसे। मैं उम्मीद करती हूँ इतने दिनों तक जो गलतियाँ होती आई होगी आपसे समोसे में, इस वीडियो को देखने के बाद आपसे अब वो गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं होगी और आपकी रेसिपी आपके समोसे भी इसी तरह से खस्ते और परफेक्ट बनेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, तभी अच्छे समोसे और अच्छा रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ दोस्तों आपके लिए एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।